अब आपके सागर शहर में शादी, बर्थडे पार्टी, प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए सर्व सुविधायुक्त स्थान एमएस गार्डन, जहां मिलेगा एसी और नॉन एसी रूम के साथ साथ पार्किंग की शानदार व्यवस्था, वाटर प्रूफ कैंपस, संपूर्ण गार्डन में सीसीटीवी कैमरों की निगरानी, वो भी आपके बजट में। तो दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। पता एमएस गार्डन, तिलकगंज, सागर। अन्वेषण थिएटर ग्रुप सागर की नाटक लिव इन का चयन देश के सर्वोच्च नाट्य समारोह भारत रंग महोत्सव के लिए किया गया है। अन्वेषण के कलाकार नई दिल्ली में 16 तारीख को इसकी प्रस्तुति देंगे। इसके पूर्व 10 फरवरी को शाम 7 बजे से सागर के रविंद्र भवन में नगर विधायक शैलेंद्र जैन के सौजन्य से दर्शकों के लिए नाटक का एक शो निःशुल्क आयोजित किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि सागर में पिछले 30 वर्षों से भी अधिक समय से रंग कर्म से आबाद संस्था अन्वेषण थिएटर ग्रुप का यह तीसरा अवसर है जब उसका नाटक भारत रंग महोत्सव के लिए चयनित हुआ है। लेकिन इस बार का चयनित नाटक लिव इन अन्वेषण के ही वरिष्ठ रंग कर्मी और अध्यक्ष जगदीश शर्मा द्वारा लिखित एवं निर्देशित है, जो अन्वेषण तथा सागर वासियों के लिए एक नई उपलब्धि है। नाटक के लेखक एवं निर्देशक जगदीश शर्मा का इस विषय में कहना है कि समय के प्रवाह में बदलाव होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा हर साल अंतर्राष्ट्रीय नाट्य महोत्सव होता है, जिसे भारत रंग महोत्सव के नाम से जाना जाता है, जिसका शॉर्ट फॉर्म है भारंगम। और इसमें पूरे देश के हर राज्य से नाटक आते हैं, हर भाषा के, हर बोली के, और 12 नाटक विदेशों के आते हैं। इस तरह 60 नाटक हिंदुस्तान के और 12 विदेशों के नाटक इसमें आते हैं। हिंदुस्तान का बहुत बड़ा, सबसे बड़ा नाट्य उत्सव होता है ये, जिसे अंतर्राष्ट्रीय नाट्य महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है। अन्वेषण पिछले 30 साल से ज़्यादा समय हो गया रंगकर्म करते हुए, और 30 साल से कई तरह के नाटक अन्वेषण ने खेले, और ये नाटक जो लिव इन है, ये आवेदन किया गया था भारंगम के लिए। और लकीली अन्वेषण का भी भाग्य है, शहर का भी ये सौभाग्य है कि शहर का नाम वहाँ तक पहुँचा, शहर में जो रंगकर्म हो रहा है वो वहाँ तक पहुँचा, तो ये भाग्य है। इसके पीछे कारण अन्वेषण के जो भी कलाकार हैं वो पूरी शिद्दत के साथ मेहनत करते हैं, विषम से विषम परिस्थितियों में, कम संसाधनों में भी बहुत मेहनत करते हैं, ये उसी का प्रतिफल है। आप किस नाटक को वहाँ ले जा रहे हैं और इस नाटक को ले जाने की क्या वजह है? ये नाटक चूंकि मैंने खुद लिखा है, लिव इन रिलेशनशिप एक नया ट्रेंड है जो विदेशों से शुरू हुआ, पाश्चात्य संस्कृति की देन है ये, और हिंदुस्तान में ये नया है, वहाँ तो पुराना पड़ गया है, ख़त्म होने की कगार पे, यहाँ नया है। हिंदुस्तान में महानगरों से ये शुरू होता है, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, बेंगलोर, इन बड़े बड़े शहरों से फिर भोपाल, जबलपुर, इंदौर, सागर जैसे मझोले शहरों में भी इसने पैठ बनाई है अपनी। क्या कारण है भाई साहब की जो छोटे पर्दे पे काम अपने आर्ट दिखाते हैं उनके लिए प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा तरीके से? कारण वो खुद हैं। अगर प्रतिभा है और अगर इंसान मेहनत कर रहा है, उसमें प्रतिभा है, तो काम न मिले ऐसा कोई कारण मुझे समझ नहीं आता। नहीं, मुझके थिएटर थे, मंच बनाए हुए थे, आज की डेट में आपको भी मालूम है कि वो है नहीं है। पूरी शिद्दत से रंगकर्म या कोई भी कलाकर्म बहुत मेहनत मांगता है, बहुत शिद्दत मांगता है, बहुत समर्पण मांगता है। अगर आप उतना समर्पण नहीं दिखा पा रहे तो उस तरह के परिणाम नहीं आएंगे, उस तरह के परिणाम नहीं आएंगे तो आपका विश्वास डगमगाएगा और आप धीरे धीरे उसको बंद कर देंगे। ये जो आपका प्रोग्राम होने वाला है कब से चालू होगा और क्या मैसेज जाएगा इससे आम जनता? वही मैं बता रहा था कि लिव इन रिलेशनशिप नया ट्रेंड है, जिसमें एक लड़का और एक लड़की या एक स्त्री या पुरुष बिना शादी किए पति पत्नी की तरह रहते हैं, तो ये विदेशी ट्रेंड है, पाश्चात्य संस्कृति में शायद सूट करता है, लेकिन भारतीय संस्कृति में विवाह एक बहुत महत्वपूर्ण, बहुत पवित्र और आधारभूत संस्था है,
हमारे समाज के लिए, हमारी संस्कृति के लिए, उस पर ही हमारा समाज टिका हुआ है। और लिव इन रिलेशनशिप में जब स्त्री और पुरुष साथ में रह रहे हैं बिना शादी के, पति पत्नी की तरह, तो उसमें भावात्मक रिलेशनशिप नहीं है, वो शरीर के तल्प पे है। और विवाह जो हमारे यहाँ परंपरा है वो सिर्फ शरीर के तल्प पे संबंध नहीं है, वो भावना का संबंध है, विचारों का संबंध है, दो परिवारों का संबंध है, हजारों साल से चली आ रही हमारी परंपराओं का संबंध है। तो विवाह हमारे यहाँ बहुत बड़ी संस्था है, बहुत महत्वपूर्ण संस्था है, समाज के इस ढांचे के मूल में है वो। और लिव इन रिलेशनशिप में पति पत्नी की तरह रह रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ शरीर के तल्प पे उनका संबंध है। और जो शरीर के तल्प पे सिर्फ संबंध हो वो बहुत फलता फूलता नहीं है, क्योंकि किसी भी संबंध के बढ़ने के लिए, पोषित होने के लिए, फलने फूलने के लिए मूल रूप से भावना चाहिए, एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव चाहिए, प्रतिबद्धता चाहिए, जिम्मेदारी का भाव चाहिए। कि अगर हमने कई उदाहरण देखे ऐसे कि पति अगर बीमार हुआ तो पत्नी ने अपनी किडनी दे दी, दो में से एक किडनी उसको दे दी, दोनों जिंदा है। लिव इन रिलेशनशिप में ऐसा नहीं है, जब तक मन हुआ साथ में रहे और फिर पता चला कि अब बात जम नहीं रही है तो वो ब्रेकअप हो गया, और वो जो कपल यहाँ रह रहा था वो किसी दूसरे के साथ रहने लगा, और जिसके साथ रह रहा है वो भी किसी उससे पहले दूसरे के साथ रह रहा था, उसको मालूम है कि अब हम जिसके साथ रह रहे हैं ये भी पहले उनके साथ रहती थी। सो कोई इमोशनल रिलेशन नहीं है, नैतिकता जैसी कोई चीज़ नहीं है, इसलिए ये हमारे समाज में सूट नहीं करता। ये जो आप कर रहे हैं ये आयोजन कब करेंगे और इसको क्या सागर के लोग देख सकते हैं? मतलब दिल्ली जाएंगे वो एक अलग विषय है, लेकिन यहाँ पे भी आपने एक ऑर्गेनाइजेशन किया है कि आप दिखाएंगे लोगों को। कल 10 फरवरी शनिवार को ये शो यहीं रविंद्र भवन में, ये जो सेट बन रहा है अभी आधा बना है ये कम्प्लीट होगा, कल शाम 7 बजे यहीं रविंद्र भवन में इसका शो है। और ये निःशुल्क शो है और ये प्रायोजित है सागर विधायक श्री शैलेन जैन जी के द्वारा। इसका जो भी खर्च है उन्होंने वहन किया है, उन्होंने अपनी तरफ से कहा है कि आप लोगों ने इतनी उपलब्धि हासिल की है कि भारत रंग महोत्सव में आप शो करने जा रहे हैं, तो इसका एक शो सागर में करो, निःशुल्क करो, वो प्रायोजित कर रहे हैं। तो कल शाम को 7 बजे इसी रविंद्र भवन सभागार में इसका। कल अगर आप बात कर रहे हैं निःशुल्क की बात कर रहे हैं तो क्या व्यवस्थाएं बनाई गई हैं सुरक्षा के लिहाज से? अगर निःशुल्क की बात कर रहे हैं तो जनता बहुत आएगी, तो सुरक्षा के हिसाब से आपने क्या व्यवस्थाएं बनाई हैं? वो हम लोग जैसा हमेशा ही करते हैं, जो संबंधित पुलिस स्टेशन है गोपालगंज वहाँ एक जानकारी देते हैं कि हम लोग शो कर रहे हैं, तो वो एक चार की गार्ड भेजते हैं हमेशा तो गेट पे। और वैसे भी गैदरिंग कैसे भी हो, नाटक जैसी विधा देखने जो लोग आते हैं वो ज़्यादातर सृजनशील व्यक्ति ही होते हैं, क्योंकि नाटक हर आदमी के लिए देखने की समझने की चीज़ नहीं है, नाटक अपने आप में बहुत गंभीर कला है। तो ऐसे अमूमन देखने नहीं आते हैं लोग, जैसे ऑर्केस्ट्रा है या ऐसे कार्यक्रम है उसमें कोई भी चलाता है। नाटक आ भी जाए तो अगर वो नाटक का दर्शक नहीं है तो 5-10 मिनट में वो बोर हो जाता है, चला जाता है। तो नाटक सिलेक्टिव लोग ही देखने आते हैं। तो ऐसी अभी तक तो 30 साल में कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई, बहुत गैदरिंग हुई, हाउसफुल हुए। कितने लोगों की टीम जा रही है यहाँ से दिल्ली? 21 लोग टोटल, 21 लोग हैं और 21 लोग हम लोग 14 फरवरी को यहाँ से निकलेंगे, 15 को पहुँचेंगे, 16 तारीख को शो है, वहाँ शो है भारंगम में। बहुत धन्यवाद आपने बात की हम लोगों से। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया।